हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्ले स्टोर पर अगर आपको पेंडिंग की प्रॉब्लम आती है, प्ले स्टोर पर पेंडिंग दिखा रहा है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे। वीडियो को बस पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम इससे जुड़ी जानकारी और इस प्रॉब्लम को ठीक करने का आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो जब भी हम कोई ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो ऐप हमारी इंस्टॉल नहीं हो पाती है और यहाँ पर पेंडिंग में वो ऐप चली जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए दो तरीके बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना प्ले स्टोर यहाँ से बंद कीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर को बंद करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन या फिर ऐप मैनेजर होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फ़ोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके गूगल प्ले स्टोर की जो ऐप है उसको ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद स्टोरेज में चले जाना है। और स्टोरेज में जाने के बाद इसका क्लियर डेटा आपको कर देना है, गूगल प्ले स्टोर का क्लियर डेटा आपको करना है। अब इसके बाद वापस से आप जो है गूगल प्ले स्टोर अपना खोलेंगे। आपको मोबाइल डेटा एक बार चालू बंद करना है, यानी कि बंद करके वापस चालू करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्ले स्टोर है वो थोड़ा टाइम लेगी ओपन होने में, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और जैसे आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाता है, जो भी ऐप अपनी इंस्टॉल करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।